हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ गलावटे कबाब, जो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और बनाना बहुत ही इजी होता है। ये बहुत ही सॉफ्ट कबाब बने हुए हैं, तो आइए देखिए मैंने इनको कैसे बनाया है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गलावटे कबाब बनाने के लिए मैंने ये 250 ग्राम रूखा खीमा लिया है और ये मैंने एक बड़ी प्याज को फ्राई कर लिया है और ये 5 मिर्चें हैं और 1 तेज़पत्ता है जिसको मैंने ऑयल में फ्राई किया है। और उसमें खुशबू के मसाले डालने के लिए मैंने 1 स्पून चिरौंजी लिए, थोड़ा सा ये नारियल लिया है, थोड़ा सा ये कबाबा है, शाह ज़ीरा लिया है मैंने 1/2 स्पून, 1 स्पून खसखस है, थोड़ा सा जायफल है और ज़रा सा दालचीनी है, इसको मैं पीस लूँगी। और ये पिसे मसाले हैं, 2 चम्मच गर्म मसाला है, 1 चम्मच सौंफ है, 1 चम्मच भुनी धनिया है और 1 चम्मच लज्जत ताम है जो मैं कबाबों में डालूंगी साथ में। और ये कच्चे मसाले हैं जिनको मैं पीस कर डालूंगी। ये 1 बड़ा प्याज है, थोड़ा सा कच्चा पपीता है, ज़रा से अदरक है, 2 जवे लहसुन के हैं, इसमें लहसुन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आइए मैं देखूँ कैसे बनाती हूँ। तो अब मैं सारे मसाले को पीसती हूँ साथ में। सबसे पहले मैं तली हुई प्याज, 5 मिर्ची और 1 तेज़पत्ता पीस ले रही हूँ और इसी के साथ साथ में ही अब मैं ये मसाले भी पीसे ले रही हूँ जो मैंने आपको दिखाए थे। और मैंने सारे मसाले पीस लिए हैं, अब मैं ये मिला दे रही हूँ इसमें। और अब मैं ये प्याज भी इसी में पीस ले रही हूँ और ये प्याज ये भी मिला दे रही हूँ इसमें। नमक अपनी मर्ज़ी से डाल लीजिएगा और मिर्चा मैंने 5 लिया था, आप अगर चाहें तो बढ़ा सकती हैं, ज़्यादा मिर्चा खाती हैं। और अब मैं ये सारे मसाले मैंने खीमे मिला लिए हैं और अब मैं खीमा भी पीसूंगी मसालों के साथ मिलाकर, ताकि सारे मसाले और खीमे का सब अंदर मसाले चले जाएं खीमे के। खीमा मसालों के साथ ही मिलाकर पीसें। और अब ये खीमा मसाले मैंने पीस लिए हैं और मैंने ये 2 टीस्पून दही डाल दिया है। दही अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, खट्टा हो अगर आपका तो कम डालिएगा और कम खट्टा हो तो खटास चेक कर लीजिएगा दही की। और ये 2 स्पून भुना हुआ बेसन है। सूखे मसाले हमेशा बाद में डालें। और ये जो मैंने सूखे मसाले दिखाए थे वो है लज्जत ताम, धनिया, सौंफ, गरम मसाला होममेड, और बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और ये क्योर वाटर एक ढक्कन डाल दे रही हूँ मैं, इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लें, फेंट लें एक तरह से ऐसे ऐसे, जितना अच्छा ये आप फेंटेंगे उतने अच्छे कबाब बनेंगे। और मैं इसमें 1/2 नींबू डाल दूँगी और ये धुला हुआ छिलका है प्याज का मैंने बीच में रख दिया और ये कोयले को मैंने बीच में रखा। मैं इसमें धुनी दे दूँगी देसी घी की, 1/2 चम्मच देसी घी डाल के मैंने धुनी लगाऊँगी इसकी, इसको ढक दे रहे हैं। और धुनी देने के बाद एक बार हाथ से अच्छे से इसको सब घी और खीमे को मिक्स कर दें। अब इसको 3-4 घंटे के लिए ढक कर रख दीजिए। अगर आपको जल्दी पकाना हो तब भी 1 घंटा तो रखना ही है, लेकिन अगर जाड़े हैं तो 3-4 घंटे लिए आप रख देंगे तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद कबाबों को आप तलिए। और अब मैं ढक कर रखे दे रही हूँ, अब 3 घंटे हो गए हैं। आप चाहें तो इसको पूरा दिन भी रख सकती हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये जो मैंने कबाबा सीड डाला है ये लखनऊ चौक में मिल जाता है, आप कहीं भी रहते हो आप अपने शहर से कहीं भी आपको मिल जाएगा ये। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब मैं कबाब की छोटी छोटी गोलियाँ बना लूँगी। और मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है, रिफाइंड ऑयल है, आप चाहे तो सरसों के ऑयल से तल सकती हैं, इसी में मैंने प्याज भी फ्राई की थी। और मैंने धीमी आंच पर कबाबों को तल लिया है। जितने मुझे ज़रूरत थी मैंने उतने कबाब बना लिए हैं, बाकी कबाब मैं बाद में तलूंगी जब ज़रूरत होगी।